नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। दोस्तों, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ टायर के ऊपर जो नंबर लिखे रहते हैं उसका क्या काम रहता है। दोस्तों, किसी भी गाड़ी के टायर के ऊपर बहुत सारे नंबर लिखे रहते हैं। दोस्तों, ऐसे इस गाड़ी के ऊपर लिखा है 235/65R17-104H। दोस्तों, इसका क्या मतलब रहता है, तो इसकी डिटेल मैं आज आपको पूरी तरीके से बताऊँगा। दोस्तों, किस तरीके से रहते हैं, तो 235 रहता है दोस्तों इसकी चौड़ाई रहती है, और 65 इसकी हाइट रहती है, उसका परसेंटेज रहता है। दोस्तों, तो मैं आज आपको दूसरी साइड ले जाकर बताता हूँ। 235 इसकी चौड़ाई रहती है टायर की, और 65 235 का परसेंटेज रहता है। दोस्तों, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 152 कुछ निकलेगा। इसके बाद आर माने रेडियल टायर रहता है दोस्तों, और इसका 17 इंच जो टायर का रिंग का डायमीटर रहता है दोस्तों वो 17 इंच है। 104 ये इसके ऊपर जितना लोड लगा सकते हैं दोस्तों, और एच इसकी स्पीड रहती है। 104 को हम उधर दिखा देते हैं, इसके ऊपर लोड लिखा रहता है दोस्तों, कितना लोड इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो इसके ऊपर मैक्सिमम लोड 900 किलोग्राम एक टायर के ऊपर आप लगा सकते हो। दोस्तों, यदि चार टायर गाड़ी में लग रहे थे तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम स्पीड दोस्तों इसकी 51 PSI रहती। दोस्तों, ये रेडियल ट्यूबलेस टायर होता है दोस्तों, ये लिखा रहता है, तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा। 235 इसकी चौड़ाई रहती है, 65% इसकी हाइट रहती है, आर माने रेडियल रहता है, 17 माने जो रिम का डायमीटर रहता है दोस्तों 17 इंच रहता है, 104H। इसके बाद दूसरी गाड़ी पर ले जाके बताता हूँ दोस्तों। 185/65R15H रहता है दोस्तों, तो चौड़ाई रहती है दोस्तों 185, इसकी हाइट रहती है 65% में रहता है, जो रिम की साइज रहती है दोस्तों 15 इंच है, और इसके ऊपर जो लोड लिखा है दोस्तों 88, तो इसके ऊपर जो लोड लिखा है दोस्तों 560 किलोग्राम का इसके ऊपर लोड लगा सकते हैं दोस्तों, और इसकी जो स्पीड रहती है वो 51 PSI रहती है। इसी तरह आपको मैं अगले टायर के बारे में बताता हूं दोस्तों। ये एक्टिवा का टायर है, ट्यूबलेस टायर है, इसके ऊपर 90/100/10/53J लिखा है दोस्तों। तो ये 90 रहता है दोस्तों, इसकी विड्थ रहती है यानी चौड़ाई रहती है, और 100% हाइट रहती है, तो 90 mm इसकी हाइट हो जाती है। जो रिम का डायमीटर रहता है दोस्तों उसका डायमीटर 10 है, और 53J इसके ऊपर कितना लोड हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर लोड लिखा रहता है हर एक टायर के ऊपर, मैंने पिछले वो उसमें ही बताया। तो इसके ऊपर जो लोड रखा है मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ है, ये दोस्तों इसके ऊपर 206 किलोग्राम का लोड इसके ऊपर लगा सकते हैं दोस्तों, ये लिख रहा है, तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 90 इसकी चौड़ाई रहती है, इसकी 100% इसकी हाइट रहती है, तो 90 mm हो जाएगा, 10 इसका रहता है दोस्तों डायमीटर रहता है रिम का, और 53J इसकी जो लोड रहता है और स्पीड रहता है। इसी तरह आपने नेक्स्ट उसमें बताता हूँ दोस्तों, जो लाइलोन वाला टायर रहता है, नॉन ट्यूबलेस टायर रहता है, वो क्या रहता है, 3 इंच इसकी चौड़ाई रहती है, 18 इंच रिम की साइज रहती है, और 52P यानी 3 इंच इसकी चौड़ाई रहती है, 18 इंच रिम का डायमीटर रहता है दोस्तों, ये वाला रिम का डायमीटर है, और 52P इसके ऊपर कितना लोड लगा सकते हैं, उसमें मैक्सिमम लोड 200 किलोग्राम का लगा सकते हैं दोस्तों, और मैक्सिमम स्पीड आप इसको लगा सकते हो दोस्तों 150 किलोमीटर पर हावर। इसके ऊपर दोस्तों एक 6-ply रेटिंग लाइलोन का रहता है दोस्तों। इसके ऊपर ये दिख रहा होगा थ्रेड वियर इंडिकेटर रहता है, थ्रेड वियर इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो ये गुट्टे रहते हैं धीरे धीरे चलते चले जाते हैं, तो थ्रेड वियर इंडिकेटर से हम देख लेते हैं कि टायर हमारे चलने योग्य है कि नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको समझ में आएगा 3 इंच, 18 इंच और 52P दोस्तों। अब मैं आपको रॉयल इनफील्ड गाड़ी के ऊपर जो ट्यूबलेस टायर रहता है उसमें क्या लिखा रहता है दोस्तों वो बताता हूँ। 120/18/18MC62P रहता है दोस्तों। 120 इसकी चौड़ाई रहती है, 80% 120 का इसकी हाइट रहती है दोस्तों, 18 इंच है दोस्तों ये इसका रिम का डायमीटर है, मोटरसाइकिल का ये टायर है। 62P इसके ऊपर कितना लोड लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर लोड दिया है दोस्तों, कितना है मैं घिस के बता रहा हूँ, इसके ऊपर 255
किलोग्राम का लोड लगा सकते हो। मैक्सिमम स्पीड इसकी इतनी रहती दोस्तों, ये ट्यूबलेस टायर रहता है दोस्तों, और ये इसके ऊपर भी थ्रेड बियर इंडिकेटर बना रहता है दोस्तों, सिंबल बना रहता है। ये पहिया आपका कितना घिस रहा है तो इससे इंडिकेट कर देते हैं। इसकी जो लाइन रहती है धीरे धीरे फ्लैट हो जाती है तो पता चल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने देखा मोटरसाइकिल कार के ऊपर जो टायर के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं उनका क्या यूज रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।